दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स डिश टीवी के बारे में। दोस्तों एक सवाल बार बार पूछा जाता है चैनल पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स में मिनिमम रिचार्ज हम कितने का कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर आप पेड चैनल्स देखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम रिचार्ज कितने का करना पड़ेगा जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स पर। दोस्तों जैसा आप सभी को पता ही है कि जो जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स है वो 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, मतलब जब आप सेट टॉप बॉक्स परचेज करते हैं तो 2 साल तक केवल 50 चैनल्स देखने के लिए आपको अलग से कोई भी रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पेड चैनल्स देखना चाहते हैं जैसे सोनी टीवी हो गया, जी टीवी हो गया, कलर्स हो गया, ये सभी चैनल्स देखने के लिए दोस्तों आपका डिश टीवी जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज होना जरूरी है, मतलब जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स इस अकाउंट में पैसे होने जरूरी है। दोस्तों बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक डिटेल में बातें करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों कोई भी पेड चैनल आप ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए उस पेड चैनल का प्राइस 1 रुपया है, तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर पेड चैनल कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों मिनिमम रिचार्ज कितना होगा वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही, यहां हम आपको पहले बता देते हैं कि अगर 1 रुपये का चैनल भी आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स में, तो आपके जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सके। उदाहरण के लिए देखें दोस्तों, जो 1 रुपये का पेड चैनल, जो भी होगा 1 रुपये का पेड चैनल, जब आप उसको ऐड करेंगे तो उसका एक्चुअल प्राइस कितना बन जाएगा, 7 रुपये 8 पैसे। ये कैसे हो रहा है दोस्तों, 1 रुपये पर दोस्तों जो NCF है वो लग जाएगा 5 रुपये, तो टोटल हो गया 6 रुपये, और जो 6 रुपये है उस पर 18% GST, वो हो जाएगा 1 रुपये 8 पैसे। यानी कि जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स पर अगर आप 1 रुपये का चैनल ऐड करते हैं तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 7 रुपये 8 पैसे। दोस्तों ये 7 रुपये 8 पैसे डिडक्ट कैसे होंगे, तो डेली बेसिस पे डिडक्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 20 रुपये है, जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स अकाउंट में 20 रुपये पहले से हैं, अवेलेबल हैं, तो ये जो चैनल है आगे आपको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं कम से कम 2 महीने तक, और 2 महीने के बाद तीसरे महीने में भी कुछ दिनों तक, क्योंकि 7 रुपये 8 पैसे 1 महीने कटेगा, फिर 7 रुपये 8 पैसे दूसरे महीने का, और फिर 7 रुपये 8 पैसे तीसरे महीने कटेगा। दोस्तों केवल 1 रुपये के आसपास ही पैसे कम पड़ेंगे 3 महीने का अगर मिला दिया जाए तो, 20 रुपये में ऐड करने के बाद। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है जो जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स में आप करेंगे वो 20 रुपीज है। दोस्तों 20 रुपीज का रिचार्ज जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स में आप कर सकते हैं, और उसके बाद पेड चैनल्स आप ऐड कर सकते हैं, और पेड चैनल्स ऐड करने के बाद दोस्तों अगर 20 रुपीज से कम के पेड चैनल्स होंगे, मंथली प्राइस बन रहा हो, तो आप उनको 1 महीने देख सकते हैं। अगर 20 रुपीज से अधिक के पेड चैनल आप ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चैनल का प्राइस 19 रुपीज है और फिर NCF GST मिला के वो 30 रुपीज से अधिक प्राइस हो जाता है, तो हो सकता है कि 20 रुपये आपके जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स अकाउंट में हो, लेकिन पूरे 30 दिन तक वो चैनल आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपको कम से कम 30 रुपये फिर अकाउंट में रखने पड़ेंगे। यहाँ बात दोस्तों हो रही है कि मिनिमम रिचार्ज अमाउंट, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स पर तो 20 रुपये का रिचार्ज आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी और सेट टॉप बॉक्स जो डिश टीवी के हैं उस पर 20 रुपये जरूरी नहीं है, उस पर किसी पे 99 रुपीज़ है, किसी पे 100 रुपीज़ है, तो ये मिनिमम रिचार्ज है दोस्तों जिनको आपको इतना करना ही पड़ता है। अब जिंग सुपर 50 सेट टॉप बॉक्स में मिनिमम रिचार्ज अमाउंट कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि सिंगल पेड चैनल ऐड करने की भी आज़ादी इसमें है, तो सिंगल पेड चैनल वो 1 रुपये का भी हो सकता है जैसे कि हमने बताया, तो वो तो 20 रुपये तक के रिचार्ज में भी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है 20 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।